मैच नंबर 57 सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जाइंट कल मैच खेला गया और भाई साहब क्या मैच था। लखनऊ सुपर जाइंट ने 20 ओवर में 166 रन का टारगेट दिया हैदराबाद को, और अक्सर जो कहते हैं कि हैदराबाद को डिफेंड करने में बहुत परेशानी आती है, लेकिन कल का मैच ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा एक एक बार में धुआं खोल दिया। 9.4 ओवर में पूरा स्कोर चेस कर दिया। और मैं बता दूं, ये वही ट्रेविस हेड है जो पिछली बार वर्ल्ड कप में इंडिया को जो है धूल चटा के गए थे। और मैं आपको ये बता दूं कि वर्ल्ड कप बहुत करीब है। बात करें अभिषेक शर्मा की, बहुत अच्छे टैलेंटेड बैट्समैन है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया की T20 स्क्वाड में नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक शर्मा जैसा हिटर इंडिया को ज़रूरत है और उसे लेना भी चाहिए। अब फिलहाल ये सिलेक्टर्स की बातें हैं, बात कर ले KL राहुल की परफॉर्मेंस की तो खासा नहीं है, परेशान नजर आए पिच में, लेकिन खबर ये नहीं है। खबर शुरू होती है इस मैच के अंदर नहीं, मैच के बाहर, जब लखनऊ सुपर जाइंट के मालिक संजीव गोयनका और KL राहुल की वीडियो और तस्वीरें दोनों सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई। कारण, गोयनका जी जो है KL राहुल की टीम से और KL राहुल से नाखुश नजर आ रहे थे, और होना भी चाहिए। 7,090 करोड़ में वो लखनऊ सुपर जाइंट की टीम को खरीदा था, और इस तरह का परफॉर्मेंस लखनऊ सुपर जाइंट का शायद उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। अगर आपको पूरी बात जाननी है तो आप हमारे क्रिकप्लेक्स पर जाके वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।